session. बादल क्लाउड, यही कहा ना, शाबाश। अब सूरज सन, सूरज सन, बिल्कुल ठीक। और पहाड़ी हिल मतलब पहाड़ी, सही कहा ना। नदी रिवर, रिवर मतलब नदी। पुल ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। सम मतलब कुछ, कुछ पेड़ कहना हो तो कैसे कहेंगे, सम ट्रीज। मेरे बाद ये वाक्य सब एक साथ दोहराओ, लेकिन एकदम धीमी आवाज में। मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रही हैं। I can see some trees. I can see some trees. सही कहा ना। अब मैं ऐसे ही कुछ वाक्य हिंदी में कहूंगी, तुम उन्हें अंग्रेजी में कहना। घंटी बजते ही एक बच्चा खड़ा होगा। ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में कहो। मुझे कुछ बादल दिखाई दे रही हैं। I can see some clouds. Very good, ताली, बहुत बढ़िया। I can see some clouds. सही कहा ना? Yes. I can see some clouds. Very nice. Good. ठीक है, अब दूसरा बच्चा। दोनों में से कोई भी, दोनों लोग बोलो। ये कैसे कहोगे अंग्रेजी में? उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। बोलो बोलो। He had some books. उसके पास, हाँ, he has some books. ऐसे ही कहा ना? Good. अब दूसरा बच्चा। सबानूर, ये अंग्रेजी में कहो। उसके पास कुछ आम है। वेरी गुड, ही हैज सम मैंगोज। वेरी नाइस। ही या शी हैज सम मैंगोज। गुड। ठीक है, अब अगले 15 मिनट टीचर जी अभ्यास कराएंगे। ट्रीज, क्लाउड्स, सन, हिल्स, इन शब्दों का अभ्यास करना है। फिर आई कैन सी सम ट्रीज, शी हैज सम पेंसिल्स, इन वाक्यों का भी अभ्यास करना है। आज का पाठ यही समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब?